तो इन द एंड आप हाउ डिड यू एंड अप बीइंग बिकमिंग अ कंसल्टेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकर? तो एंड में फाइनल कैसे होगा यही करना है. ओके सो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कई बार हम कह देते हैं यार आपकी स्ट्रगल के बारे में बताएं, मैं कभी भी स्ट्रगल मानता नहीं हूँ किसी चीज़ को। अगर आप स्ट्रगल किसी चीज़ को बोल देंगे तो फिर आप में पैशन रहेगा नहीं उस चीज़ को देखने का। मैं ये कहता हूँ हाँ जी ठीक है, ये टास्क करना है, ये एक तरह के से टास्क ही है सभी आप कर रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप जा बिल्कुल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल. हाँ जी नमस्कार, सत श्रीकाल जी. आज अपने साथ हैं मिस्टर शिंदरपाल सिंह, और ये एक फुल टाइम इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, और साथ के साथ ये एक लेबर कंसल्टेंट भी हैं, तो सारा काम करते हैं. तो सर आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन दें. नमस्कार जी सारे को, सत श्री अकाल, आदाब। सो जितना कि ऋतिक भाई ने पहले बता दिया आपको कि मैं इंश्योरेंस ब्रोकर हूँ और मेरा नाम सिंदरपाल है, और साथ साथ मैं एज अ कंसल्टेंट पार्ट टाइम भी देख रहा हूँ, और ये मेरे साथ इन्होंने काफ़ी मेरे साथ पहले ये रहे भी हैं, तो हम एज अ फ्रेंड आज मिले हैं काफ़ी टाइम बिल्कुल. बाद में, तो सोचा चलो एक थोड़ा सा इंटरव्यू हो जाए। सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, सिंदरवाल मेरे दोस्त हैं और हाँ जी हम साथ रहे हैं पहले घर में काफ़ी टाइम, और 3-4 साल से मेरे दोस्त ही है. तो इनसे इनकी जर्नी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर इंटरव्यू में आने के लिए. थैंक यू जी। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि इनकी जर्नी शुरू कैसे हुई, इंडिया से कब आए, इनका कॉलेज कौन सा था और इनका कोर्स कौन सा था. सो सबसे पहले मैं इंडिया से यहाँ पे आया था दिसंबर 2016 में, लैम्पटन कॉलेज में आया था मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो लैम्पटन कॉलेज आपका कैंपस कौन सा था, मिसिसागा वाला? कैंपस मिसिसागा का कैंपस था मिसिसागा. उस टाइम, वो कैंपस स्टार्ट ही हुआ था सबसे ओके पहले, हम ही ओके, वहाँ पे आए थे उस टाइम आपने पे। लॉन्च किया उसको. जी, ठीक है. तो उसके बाद लैम्पटन कॉलेज में मेरा कोर्स था बिजनेस मैनेजमेंट का, ग्रेजुएशन का। इंडिया से मैंने ग्रेजुएशन करी थी बैचलर ऑफ कॉमर्स की, एंड फिर यहाँ पे आगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था, तो लैम्पटन कॉलेज में साइड बाय साइड चलता रहा। तो ये कोर्स कितने टाइम का था आपका? कोर्स मेरा था वही 2 साल का, 2 साल जिसमें का. 4 सेमेस्टर थे और बीच में एक ब्रेक थी 4 मंथ्स की, ओके. और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब उस टाइम चलती रही, और जॉब्स जो भी हम देखते थे वो चलता रहा उस टाइम पे। तो कॉलेज टाइम में क्या जॉब्स किया आपने, मतलब? कॉलेज टाइम में मैंने एक, जब आया था मेरे रिलेटिव का एक तो ट्रकिंग की कंपनी थी, ट्रकिंग कंपनी. यस, उसमें मैंने एक जॉब करी थी एज अ क्लैरिकल। वहाँ पे मुझे वो जॉब मिल गई थी, तो वो पहले मैंने वो जॉब करी, और उससे पहले कुछ वेयर हाउस में जॉब करी ओके और ओके, अदर वो सभी फैक्ट्रीज करते में जॉब हैं. करी। बिल्कुल बिल्कुल. और पहला जो साल था उस टाइम पे मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि कोई आया नहीं था मेरे रिलेटिव में या फ्रेंड्स में, तो वो परेशानियाँ थी उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे 1 साल गुजर गया और हमारी जैसे ब्रेक आई, उसमें फुल टाइम जॉब मुझे मिली गैप के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, फुल ओके टाइम जॉब जब मेरी ब्रेक थी कॉलेज से। ओके. क्या आपका जो मैकलोडी रोड पे है? यस हाँ, ओके वहाँ पे ओके. फुल टाइम जॉब करी मैंने अराउंड 4 मंथ के लिए। 4 मंथ के लिए. उसके बाद फिर से कॉलेज शुरू हो गया, और फिर से कॉलेज का जो स्केड्यूल था, एक दिन क्लास होती थी, एक दिन ऑफ होता था, एक दिन फिर से क्लास होती थी, तो ये फुल टाइम जॉब कर नहीं पाते थे। ये सबसे परेशानी थी सबसे बड़ी उस ना, टाइम सभी की, स्टूडेंट्स जो को आती आज होगी की डेट में किसी को आ नहीं रही है। क्योंकि कॉलेज ऑनलाइन हो गए हाँ, इसलिए. क्योंकि अब कॉलेज ऑनलाइन हो गए। ओके, नहीं वापस खोल रहे हैं वो. तो अब यस तो कॉलेज आपका ख़त्म कब हुआ था, लास्ट सेमेस्टर कब था आपका? ओके, जो कॉलेज मेरा ख़त्म था वो अगस्त 2018 को ख़त्म हो गया था। अगस्त 2018 में यस ख़त्म हो गया हाँ, था. क्योंकि मैं दिसंबर 2016 में आया था, जो जैन से स्टार्ट करके अगस्त 2018 में कॉलेज डन हो गया था मेरा। और उसके बाद में सबसे पहली परेशानी जो सभी को होती है वो ये थी, अभी PR कैसे होना है। ठीक, बिल्कुल तो PR कैसे होना है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था हमारे लिए, और बिल्कुल. हमें गाइड करने वाला कोई था नहीं एक्चुअल में। मैंने आपको पहले ही बताया कोई, क्योंकि सबसे पहले मैं आया था, और मेरे बाद में जैसे जैसे सारे आते गए दोस्त. फ्रेंड्स आते गए, आगे बिल्कुल आगे कुछ बिल्कुल. रिलेटिव भी आए, उन्होंने थोड़ा हौसला मिलता रहा और साथ उनका था हमारे साथ। लेकिन उस टाइम पे मुझे यही क्वेश्चन था भी PR कैसे हुआ होना है और कौन सी जॉब करनी है, ओके इनके ओके. बारे में मुझे पता नहीं था। वो थोड़ी टेंशन, जैसे पहले बताइए बताया आपने भी, टेंशन पड़ गई भी करना क्या है अभी। ठीक है, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे रेकमेंड करा, ओके भी एक जॉब है वो है ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेटर इन ट्रकिंग कंपनी में। सो उस जॉब को उन्होंने बताया भी ये नौकरी की जॉब है, मुझे मालूम नहीं था अभी उस टाइम, यही नहीं मालूम होता था नौ के नौकरी क्या होता होता क्या है, है, सही राइट। बात है. सो फिर पता चला ठीक है जी नौकरी जॉब है। फिर एक मैं ऐसे ही, उन्होंने मुझे बोला भी हाँ जी आप जाओ और इंटरव्यू दे दो, मैं गया, तो फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद बताया और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक रेफरेंस भी थी और मेरे पास थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस भी था क्योंकि ट्रकिंग आपका वो का। हाँ जो रिलेटिव कंपनी में काम यस, किया आपने जो.
तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो जो मेरी स्टार्ट होती थी सुबह 2 बजे, सुबह 2 बजे। ओके ओके, वो सुबह 2 बजे। तुम साथ रहते उस टाइम, जाते थे यस आप ना। यस ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। सो सुबह 2 बजे वो जो मैंने स्टार्ट करनी होती थी, तो आप देख सकते हैं लाइक ना मैं सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में था, ना मैं आफ्टरनून में था, ना मैं नाइट में था, तो तकरीबन मुझे 1 बजे उठ के जाना सबसे पड़ता सबसे मतलब घटिया था। टाइमिंग थी किसी काम की, हाँ जो सो जब स्टूडेंट ऐसे इस तरह काम कर रहे हैं, इस टाइम पे काम ले जाते हैं और रिलेट कर पा रहे होंगे, कमेंट सो में जरूर बताएं हमें। तो जैसे तैसे जॉब स्टार्ट कर दी मैंने। जब पहला मंथ लगा तो सोचा चलो करते करते 12 महीने निकल जाएंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा और पॉइंट्स बन जाएंगे। लॉयर से जाके मैं मिला, तो लॉयर ने मुझे बताया भी उस टाइम पे जो एक्सप्रेस एंट्री में मैंने फ़ाइल लगानी थी, क्योंकि मैं वैस जो होती है, मुझे लगता है सभी को मालूम होगा वैस क्या होती है, तो मैंने वैस क्लियर करा ली जो वैसे मेरी जिसको नहीं पता उसके लिए बता भी देंगे आप। यस जैसे वैस होता है अपनी जो ग्रेजुएशन आपने करी होती है इंडिया से, ग्रेजुएशन या मास्टर्स, उसको इवेल्युएट कराने के लिए वैस करानी पड़ती है। ठीक है, ऑनलाइन सब वो पोर्टल होता है, तो वो करवा के अपनी जो इंडिया की एजुकेशन होती है वो कैनेडियन में अगर उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो उसके लिए वैस चाहिए होती है। ओके, ठीक है इस पे अगर किसी को कंप्लीट डिटेल चाहिए, फुल नॉलेज इस बारे में आपको चाहिए अगर, तो प्रभ जोशन के चैनल पे वीडियो डली हुई है पीआर जर्नी की, वो जाके जरूर देखें। यस सो बेसिकली वो डन हो गई। उसके बाद जो मैं एक लॉयर से मिला और उन्होंने मुझे बताया जी अभी जो एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर है वो चल रहा है 443 442, और उस टाइम इतना स्कोर था तो मेरा एक सवाल है सर, जी सर नहीं दोस्ती है मेरे, जैसे कि नया सर बन गया वैसे, जैसे कि कॉलेज था 16 में आप आए, 18 में स्टडी ख़त्म हुई, फिर यस सोचा पीआर करना है, तो पीआर के लिए वो जॉब कर रहे थे, तो पीआर की वो जॉब कर रहे थे उस टाइम कुछ सोचा कि पैशन क्या है, मतलब यू नो पीआर तो मतलब आप काम कर रहे हैं अपन, यस अब जो स्टूडेंट हैं आजकल वो यस पीआर के लिए वो देखते हैं कि पीआर के लिए काम करना कौन सा है, यस पर आपको काम पहले मिल गया पीआर उससे मिलनी थी आपको, राइट। यस आजकल क्या है, लोग पहले पीआर देते हैं और फिर काम देखते हैं कि यस पीआर किसे, वही काम कर लो। यस राइट। तो आपका ऐसा था कि यार पीआर से मिल गया वही काम कर लूंगा, या वही काम करने से पीआर लेनी है मतलब। नहीं, सबसे पहले तो बात ये है जो ट्रेंड आज का है, ट्रेंड का है क्या है अभी, ट्रक का लाइसेंस, ट्रक ले लो और चढ़ जाओ। ट्रक का लाइसेंस लो और चढ़ जाओ ट्रक चलाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे उसी पैसे में है। उसी में, सही बात है। ये सभी का यही रहता है अभी, ट्रक चलाओ। लड़कियां भी आजकल यस काफी लाइसेंस ले रहे हैं ट्रक हाँ, के। सो सबसे पहले मैंने भी ट्रक का लाइसेंस जो है उस टाइम 2018 में जो उसका रिटन एग्जाम था मेडिकल था वो डन कर दिया, और मैं अभी स्कूल ज्वाइन करना था क्लासेस के लिए। इसी दौरान ये जॉब मुझे मिल गई, तो वो मैंने जो आइडिया था अपना छोड़ दिया और ये जॉब शुरू कर दी, अदरवाइज मैं भी ट्रक चलाता होता। और दूसरा उसमें क्या था, उस टाइम जब मैंने ये जॉब सोचा भी, हाँ मेरा शुरू से ही था मैंने जॉब तो करनी नहीं है कभी भी, क्योंकि जॉब में आपको ऐसा रहता है भी अगर जॉब करोगे तो किसी के आप अधीन हो, राइट, या तो इतनी आप अंडर जो काम नहीं करना यस हाँ मतलब। किसी के अंडर काम नहीं करना है, और क्योंकि आप एक तरह के फिक्स्ड इनकम आपकी हो जाती है हाँ उसी पे आप बिल्कुल रह जाते हैं। बिल्कुल। सो बट उस टाइम पे जो नेसेसिटी है वो नेसेसिटी तो यही है ना कि हमको जॉब करके पीआर डन करनी, बिल्कुल। तो वो मुझे करनी पड़ी। एंड उस टाइम में फिर जॉब शुरू कर दी, जो लॉयर था उसने बताया जी हाँ जी 443 स्कोर है, बैंड स्कोर और जो स्कोर चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ इतना चल रहा है, आप इजीली हो जाओगे, 6 बैंड ही चाहिए। तो आपने आइल्स कब की फिर? यस आइल्स मैंने उसी दौरान आफ्टर 6 मंथ्स अराउंड जो हम तब मेरा साथ में गए थे आइल्स करे थे यस आप, है ना, राइट हम राइट बहुत तंग करते थे आपको आगे आइल्स करते वक्त। जी हाँ, तो उसी दौरान मैंने आइल्स कर ली। और साथ में एक और बात बता दें आपको, जिस टाइम सिंदरपाल जी आइल्स कर रहे थे उस टाइम हमारे सारे आइल्स के टीचर भी थे, मिस्टर यस आदेश जिंजा, यस आदेश तो आइल्स पे भी एक वीडियो आने वाली है कि उनके एक्चुअली उनके लिसनिंग में आए थे 9 बैंड, इंडिया में यस रीडिंग उनके है 8.5 बैंड, तो उनके साथ भी वीडियो आनी है, उनसे वो ने बात मैंने कर रखी है, कल या परसों जो है वीडियो हम शूट करेंगे, उसमें आपको आइल्स की भी डिफरेंट ट्रिक्स हम देंगे। तो तब की बात है ना ये, जब वो यस मेरे हाँ साथ थे। उसी टाइम 2018 में जो एंडिंग में शुरू हो गया था, तो बेसिकली उस टाइम मैंने 6.5 स्कोर किया फर्स्ट टाइम। 6.5 बनाए हाँ, आपके? तो मेरा स्कोर उस टाइम जैसे मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस भी था और 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट करने पे, मेरा एक्सपीरियंस काउंट करने पे जो पॉइंट बन रहे थे वो अराउंड बन रहे थे 460 और समथिंग, 460, तो 68 468 आई थिंक, वो चाहिए था आपको 434। नहीं जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी उस टाइम पे 443 था, अच्छा। अराउंड 442 443, बट जब मेरा एक्सपीरियंस पूरा हुआ साल का उस टाइम पे जो स्कोर चला गया 472 471 470 लाइक दैट और आपका बन रहा था फोर फोर सिक्सटी सिक्सटी एट एट यस आसपास था हाँ मतलब। आसपास था, तो काफ़ी परेशानी थी भी अभी करे कैसे। फिर दोबारा फिर से आयल्स करी, स्कोर इंक्रीज़ करा तो स्कोर पूरा हो गया,
तो ड्रॉ में जैसे आया, उससे पहले मेरे को, हाँ उससे पहले एक PNP की ऑफर भी आई थी मेरे को अल्बर्टा की, ओके यस क्योंकि मैंने डाल दिया था 468 पे, मेरे को अल्बर्टा की PNP की इनविटेशन आया था, मैं वहाँ की भी PNP लगा सकता था, लेकिन वो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा एक्सप्रेस एंट्री में मैं स्कोर बना के और डन कर दूंगा। फिर स्कोर पूरा कर लिया तो वो सारा हो गया, और उसके बाद मैं एक्सप्रेस एंट्रीज में ही मेरा ड्रॉ में नाम आ गया, फाइल कर दी, फाइल जब प्रोसेस होगी सारा कुछ हो गया, और उसके बाद में जैसे भी जो प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 6 months रहता है उसका एक्सप्रेस एंट्री में, तो अराउंड 6 महीने लग गए और सब कुछ हो गया जैसे, और जब PR हो गई, अभी क्वेश्चन था अभी अब क्या करेंगे। सभी लोग सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी स्टूडेंट नए भी आ रहे हैं या जो भी यहाँ पे हैं भी सही, सबको एक बार होता है स्टडी खत्म हो जाए फिर विले ही विले टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी खत्म होती है वर्क परमिट आ जाएगा आपके हाथ में, वर्क परमिट के साथ दो चार टेंशन हो रहती हैं, PR की मुंह यस मोड़ना है, पीआर कहीं PR हो जाएगी, काम की, कौन सा करें, किस फील्ड में PR लें, और अगर आप पेरोल पे काम करते हो तो पैसे बहुत कम बनते हैं, यस पेयर टैक्स बन जाते डिडक्शन हैं। बहुत ज़्यादा होती है आपकी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टडी खत्म होगी तो सुखी हो जाएंगे, ओके 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 होते जाएंगे धीरे धीरे, जी फिर PR होते होता है काम क्या करना, फिर इनका यही क्वेश्चन आया PR होते ही कि अब काम क्या करूँ, हाँ, जब PR हुई तो काम क्या करें, ये क्वेश्चन आ गया। तो आपके मन में ये सवाल आया कि ट्रक चला लेते हैं यार, पैसे हाँ अच्छे ये हैं। भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं डिस्पैच उधर ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेटर था, उसके साथ डिस्पैच भी करता था, तो अभी माइंड में ये आया भी हाँ जी ठीक है ट्रक चला लेते हैं। पहले मैंने 2018 में एक बार एग्ज़ाम दिया था रिटन एंड मेडिकल फॉर ट्रकिंग, ट्रक के एग्ज़ाम के लिए जो A का होता है, और फिर जब मेरी PR हुई मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया ट्रक का, फिर से रिटन दिया, फिर से मेडिकल दिया, और वो फिर से एक बार फिर से शुरू कर दिया, क्लासें और नहीं, ट्रक की क्लासें नहीं क्लासे फिर से नहीं ली। नहीं ली, अच्छा ठीक फिर है। वो जो रिटर्न था वो हो गया, फिर से माइंड सेट था हाँ जी ठीक है ओके ट्रक चलाएंगे अभी, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे नज़र आ नहीं रहा था। तो उसी दौरान जैसे पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि जैसे फाइलें कैसे प्रोसेस होती हैं, वर्क परमिट स्टडी परमिट ये सारा कुछ, तो लेकिन कोई गाइडेंस करनी थी मेरे पास भी कैसे करूँगा, क्योंकि लाइसेंस कैसे लेना है, और उसके बाद मैंने फिर सोचा हाँ जी मॉर्गेज एडवाइज़र जो होता है वो करा जाए, या ओके रियल स्टेट का करा जाए, मतलब या काफ़ी कैटेगरी हाँ में आपने यस सोचा कि हाँ यार भी ये कर सकते हैं वो कर करूँ सकते क्या, हैं, काफ़ी ऑप्शंस थे मतलब, यस काफ़ी ऑप्शंस थे तो सोचा। यही हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ ट्रकिंग ही ऑप्शन नहीं है, हालांकि ट्रकिंग एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ट्रकिंग के अलावा ही आप सब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कुछ करने के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया आपको, या फिर बताइए क्या ऑप्शन थे वो, 4-5 ऑप्शन क्या सोचे आपने। सो सबसे पहले मैंने जो अपने यहाँ सोचते हैं आदमी, और यूजली यही होता है अभी एज अ रियल स्टेट आप पर्सन काम कर लें, या मॉर्गेज एडवाइज़र कर लें, या इंश्योरेंस ब्रोकर कर लें, या फिर ट्रक का जो मेन है वो तो मेन रहते ही रहता है ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सभी मैंने सोची भी ये कि इसमें से क्या करा जाए। तो साथ साथ जैसे थोड़ा बहुत माइंड था, क्योंकि मेरा फील्ड है वो है कॉमर्स का, तो जैसे थोड़ा बहुत ये भी था हाँ जी शेयर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसे ये वो, स्टॉक लेकिन मार्केट का, स्टॉक मार्केट ओके ओके, भी ट्रेडिंग करके उस टाइम देखते क्रिप्टो हैं, बहुत चल रहा हाँ था, क्रिप्टो बहुत चल अब तो वो रहा डाउन हो गया, मेरा पैंतीस डूबा पड़ा उसमें। था। तो ट्रेडिंग का भी मैंने सोचा। एक चीज़ मैंने और मिस कर दिया है, सर ने अपने टाइम में जब स्टडी भी चल रही थी आई थिंक, उसके बाद वर्क परमिट भी था, तो उबर भी किया है, यस हाँ उबर मैंने बहुत किया है, यस उबर भी अपने 2-3 सौ पढ़ाए हैं कई दिन में, तो उबर वीडियो एक लेके आनी है कि जो यस स्टूडेंट आ रहे हैं गाड़ी ले रहे हैं तो आप पार्ट टाइम उबर कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, 2-3 सौ उसमें अच्छे बन जाते हैं, मतलब यस फीस भरने काफ़ी हेल्प हो जाए हाँ स्टूडेंट्स फिर की। यस सो ऊबर भी यस, उस टाइम पार्ट टाइम ऊबर चलाते थे जैसे वीकेंड पे, जो मेरा वो जॉब थी वो थी ट्यूसडे से सैटरडे, सो 5 दिन वो रहता था, बाकी फिर जैसे सैटरडे को या संडे को थोड़ी बहुत ऊबर कर लेते थे, तो उबर भी वो काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हाँ उस टाइम, है अभी यस भी अच्छी चलती है, उबर है, लिफ्ट है, आजकल तो स्किप डोडल बहुत चल ये रही है, हाँ बहुत आजकल शून कर तो रहे हैं वो, पॉपुलर बहुत हो गई है, इंस्टाकार्ट ये वो बहुत कुछ आ बहुत गया, कुछ आ गया अब तो, हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो ये सभी होता रहा, और फिर क्वेश्चन आ गया जी हाँ जी क्या करेंगे। फिर सोचा अभी गाइडेंस के लिए कोई आदमी नहीं था मेरे पास ना पहले था ना अब ना, था। आप था भी हमेशा ही ये रहा है, अभी कोई मिला ही नहीं है जो बता दे भी हाँ जी करना क्या लेकिन आप गाइड करने के लिए हम बैठे हैं, है। पिंटू कनेडियन वन नंबर वन हमारे ब्लॉगर बैठे हैं, प्रभ जोशन जी बैठे हैं, तो हम गाइड जरूर करेंगे आपको वीडियो के थ्रू। तो फाइनली फिर डिसाइड करा हमने, मैंने पहले सबसे पहले मैंने एक दो मेरे कंसल्टेंट थे जैसे उनसे बात करी भी हाँ जी आप बताएं मैं क्या करूं, और इसका अगर मैंने लाइसेंस लेना है तो कैसे लूं, तो उनसे सब पूछा मैंने फिर भी कैसे किया जाए। फिर उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया मॉर्गेज एडवाइज़र का, ओके ठीक है जी भी मॉर्गेज एडवाइज़र का कर लेते हैं, वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया,
पहले मैंने सोचा था रियल एस्टेट करने के लिए भी, उसका ले लेते हैं, रियल्टर बन जाते हैं, तो वो नहीं हो पाया, वो मैंने सोचा नहीं, फिर उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया और मॉर्गेज एडवाइज़र का ले लिया फिर एंड में। आपकी चॉइस में वो सारी समझ आ रही हैं कि जो जो आपने सोचा भी रियल स्टेट का कर लें, फिर मॉर्गेज का कर लें ना, आपका खुद का दिल से मतलब क्या था पैशन? मतलब एक दो अगर मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि मन मारे काम करते हैं कि पैसा वैसे बनता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे थोड़े से कम बने पर यार काम करने मजा आए, है ना? तो आपका क्या था कि दिल से क्या था करने का मन? दिल से मेरे को उस टाइम जब एडवाइस मैं ले रहा था, मेरे को कोई एक फ्रेंड मिला और उसने बोला तू आईटी फील्ड में चले जा, मेरी कॉमर्स फील्ड थी, उसने बोला आईटी फील्ड में चले जा भी, उसमें स्कोप आजकल आपको पता है। मैंने बिल्कुल बिल्कुल। सोचा, मैंने ट्राई करा, ठीक है आईटी फील्ड में चले जाते हैं, एक बार सोचा, लेकिन फिर से मेरे माइंड में जो था मेन वो ये था भी मैंने जॉब तो करनी नहीं है। वो तो शुरू से ही था आपका, कंफर्म था। हाँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता था, अभी खुद का करूँ चाहे कम हो जाए नो प्रॉब्लम, बट मैं जॉब नहीं करूँगा। सो ठीक है। मेन ये था, फिर उसी को ढूंढ रहे थे भी करे क्या एज आ रियल एस्टेट या मॉर्गेज एडवाइज़र, इंश्योरेंस ब्रोकर, कंसल्टेंट या ट्रेडिंग कर लें। मैंने ट्रेडिंग की क्लासें लगाई, वो भी करा, ठीक है सब कुछ ये चलता रहा। फिर फाइनली जो मेन पेस मिला वो एज आ इंश्योरेंस ब्रोकर मैंने स्टार्ट करा, तो वहाँ से शुरू हुआ सब कुछ एंड बस अभी चल रहा है। सही है, सही है। तो ये थी आपकी सारी पीआर जर्नी। तो स्ट्रगल आजकल नया वर्ड शुरू हुआ है, आज से 10 साल पहले हाँ, जो स्ट्रगल किसी ने देखा नहीं, लोगों ने बहुत मेहनत की है उसको हम हार्डवर्क का नाम दे देते हैं कि हार्डवर्क किया आपने। यस जैसे ने हार्डवर्क, बताया कि स्टेप स्टेप के थ्रू लाइफ चलती है हमेशा ही, यस आपने स्टडी की, वर्क परमिट पे आए, फिर आप पीयर हुए, फिर आपने काम किया, ये स्टेप्स हैं, स्ट्रगल नहीं है। यस लाइफ में आप कोई भी काम करेंगे वहाँ आपको स्टेप के स्टेप चलना पड़ेगा, लंबी छलांग मारने के लिए पीछे जाना पड़ता है, फिर आप लंबी छलांग मारते हैं जिंदगी यस हमेशा। तो स्ट्रगल तो कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हार्डवर्क। यस सभी चलते हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप, सो सभी करते रहे शुरू से आके एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, अभी पहुंच गए थे पीआर पे और अभी सोच रहे थे हाँ जी क्या करें। तो फाइनली फिर जब एक मुझे मेरा कोई फ्रेंड मिला, वो न्यू दिल्ली से हैं, और उन्होंने कहा जी हाँ जी, उनकी कॉल आई मेरे को भी तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको बोला भी हाँ जी मैंने मॉर्गेज एडवाइज़र का दिया है, तो वो कहते हैं हाँ जी आप इंश्योरेंस ब्रोकर का करना चाहते हैं। तो जब आपने मॉर्गेज कोर्स दिया, मतलब टेस्ट दिया, वहीं पर भी थे बीच में, बाद फिर हमने वो शुरू कर दी, तो मॉर्गेज एडवाइजर का टेस्ट जब आपने दिया उसके बाद ही आपका फ्रेंड का फोन आया आपको, उस बीच मतलब उन यस दिनों में। यस ठीक है, उसके मेरे को 2 दिन फ़ोन आ गए, ओके, वो असल में वो खुद ही एक करता था, तो ब्रोकर का काम, यस ब्रोकर का काम, ओके, सबसे पहले मैं इंश्योरेंस ब्रोकर पे आता ब्रोकर। हूँ, हाँ उसके बाद हम कंसल्टेंट पे वाले पे चले जाएंगे। तो वो करता था एंड उसने बोला भी हाँ जी ठीक है आप करोगे, मैं हाँ जी करेंगे बताइए। मुझे इंटरेस्ट लगा उसकी बातों में क्योंकि वो खुद अप्रोच कर रहा था मुझे, उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, एक और कंपनी है उसमें जॉब कर रहा था मैं, रॉयल ग्रुप यहाँ पे है वुडब्रिज में, ओके। हाँ जी उसमें जॉब कर रहा था। फिर मुझे लग रहा है सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट है मेरे में, तो क्यों नहीं ट्राई करना बात करने चाहिए। में क्या आ जाए। हाँ तो उसने मुझे बताया उसका प्रोसेस जो भी है, 2-4 बुक्स थी वो पढ़ी, टेस्ट जैसे भी उसका रीबो का टेस्ट होता है वो दिया, और टेस्ट क्लियर हो गया ठीक है हाँ जी। उसके बाद वो शुरू कर दिया, अभी स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा है, तो वो बढ़िया है। वो तो हो गया इंश्योरेंस ब्रोकर का, अभी हम आते हैं कंसल्टेंट पे। जो कंसल्टेंट के लिए मोटिवेशन था वो एक डिफरेंट तरह का मोटिवेशन था मेरे अंदर एक्चुअली, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि मैं आया हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप भी, सबसे बड़ी परेशानी होती है लोग जो कंसल्टेंटों को पैसे देते हैं $25,000 $30,000 LMA के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे अच्छा नहीं लगता था ऐसा देना, क्योंकि वो एक वेस्टेज ऑफ मनी अपना किसी को दे रहे हैं बिना किसी काम के लिए। गवर्नमेंट कहाँ कह रही है, नहीं कह रही है। सो उसी दौरान वो मेरे माइंड में था और नॉलेज थी, फिर एक तरह से हम मान लें भी स्टूडेंट्स की हेल्प लगा लें या जो अपनी कम्युनिटी है उनकी हेल्प के लिए मैंने वो शुरू करा। और उसकी दौरान मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला जिसकी खुद की कंसल्टेंट है यहाँ पे, अपना ऑफिस है, मैंने फिर उसका ज्वाइन करा उसी दौरान एज अ पार्ट टाइम वहाँ पे ज्वाइन करा, और फुल टाइम मैं ये करता हूँ। तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या लोगों ने फिर मेरे को अप्रोच करा LMI के लिए, स्टडी परमिट के लिए, वर्क परमिट जैसे अपने PGWP स्टडी के बाद अप्लाई करना है उसके लिए, और जो अपने टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा लेना होता है उसके लिए सभी, फिर वो चलता रहा। सपोर्ट उनकी थी और एक अलग तरह का मोटिवेशन आप कह सकते हैं, उसके कारण से मैंने वो शुरू करा वो था। काम शुरू किया। यस ओके ओके। तो गाइस, इस वीडियो में आपको हमने बताई चंद्रपाल जी की पूरी जर्नी, कि कैसे इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट से होकर सारी जर्नी करके, वर्क परमिट, पीआर, काम सब करके, फिर ये बने एक फुल टाइम इंश्योरेंस ब्रोकर, और साथ साथ ये एक पार्ट टाइम कंसल्टेंट भी हैं।
तो किसी भी तरह कोई भी काम आपको हो, इनका नंबर ये खुद बता देंगे आपको। श्रद्धा अपना नंबर हाँ जी, प्लीज़। सो मेरा नंबर है जी 437-992-8621। और इनकी कंपनी का नाम है ऑल इन ऑल हाँ ए जी, आई ए। AIA। उसका कार्ड की मैं पिक्चर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इनके नंबर भी मैं आपको नीचे लिख के जरूर दे दूंगा। किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस का काम हो या कोई भी कंसल्टेंट की आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो इन्हें जरूर कॉन्टैक्ट करें, कम से कम पैसों में काम करेंगे। इन्होंने बताया इनकी मोटिवेशन क्या था कि वकील बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते थे यस जिसकी ज़रूरत नहीं थी देने की, यस तो कम से कम ये आपको गाइड करेंगे और आपको काम करवा के देंगे। तो ये था पार्ट वन। पार्ट टू में कुछ सवाल हैं जो मेरे को यूट्यूब पे बहुत पूछे जा रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़े पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आगे हम पक्के कैसे हो सकते हैं, है ना। और ये स्टडी परमिट सब, इसके बारे में हम सारी बात करेंगे पार्ट टू में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल। सर।